आज पता नहीं सवेरे सवेरे किस मनहूस की शक्ल देख ली यार। कहीं आईना तो नहीं देख लिया था सार? क्या? अब मेरा मतलब है कि ऐसा क्या हो गया सार कि आज आप अपने आप को ही कर आए जा रहे हैं? अरे पूछो मत, सुबह से ही बुरा हो रहा है मेरे साथ यार। वो कैसे सार? अरे सब उल्टा पुल्टा हो रहा है मेरे साथ सुबह से यार। दरवाजा खोला तो कुंडी हाथ में आ गई, नल खोला तो टोटी हाथ में आ गई, ब्रीफकेस खोला तो हैंडल हाथ में आ गया। अरे बाप रे, फिर तो सार आज आप पेशाब करने भी मत जाइएगा। काहे नहीं जाएंगे बे? अरे देख नहीं रहे हैं सार, आपके ग्रह गोचर आज ठीक नहीं चल रहे। लोग अक्सर अपनी नुन्नी से मूतने के बाद हाथ धोते हैं सार, कहीं ऐसा ना हो कि आज आप मूतने के चक्कर में अपनी नुन्निये से हाथ धो बैठे सार। अरे यार, तुम्हारा बात सुनकर तो हमको सच में प्रेशर आने लगा है, क्या करें? गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे प्रिंसिपल सर, अरे अच्छा हुआ आप आ गए, अरे आपसे एक तो हेल्प चाहिए। हाँ हाँ गुप्ता जी, बताइए बताइए, क्या हेल्प करें हम आपकी? हैं? अब हाँ, अब बस इसी के लिए हेल्प चाहिए। अगर आप थोड़ा मेरा पकड़ के खड़ा हो जाते 2 मिनट तो मेरा काम हो जाता। बच्चों एक इमरजेंसी आ गई है, तो मैं और आपके गुप्ता सर अभी 5 मिनट में आते हैं। तब तक लाली मैडम जो हेल्थ एंड फूड टीचर हैं वो आपकी क्लास लेंगे। चलिए गुप्ता जी। लाली मैडम आप भी तो मस्त माल हैं। क्या? अब मेरा मतलब है कि आप तो कमाल हैं मैडम। मुझे पता है, मैं तो चीज ही ऐसी हूँ। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना मालूम हो। अच्छा तो ठीक है, आप ये बताइए कि आपको सच और वहम में क्या फर्क है ये मालूम है? मैं आज तुम्हारे क्लास में आई हूँ ये सच है, लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो मैं हर रोज तुम्हें दर्शन दूंगी तो ये तुम्हारा वहम है। नहीं मैडम, आप आज यहाँ हमारी क्लास में खड़ी हैं, ये सच है। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि हमारा खड़ा नहीं होता तो ये आपका वहम है मैडम। अब तो आपको सच और वहम का फर्क पता चल गया होगा ना मैडम। ए, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार लड़का समझते हो क्या? लगता है तुम्हारा किसी खुर्राट लड़की से पाला नहीं पड़ा अभी तक। रहने दीजिए मैडम, लड़का और लड़की में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है जरा मुझे भी तो बताओ। बहुत फर्क है मैडम, लड़की चाहकर भी 1 साल में सिर्फ एक ही बच्चे की माँ बन सकती है, लेकिन अगर लड़का चाहे तो वो 1 साल में 365 बच्चों का बाप बन सकता है मैडम। क्या बकवास कर रहे हो, बिल्ली को देखो, एक बिल्ली एक साथ इतने बच्चे पैदा करती है, वो कैसे? मैडम अगर आप भी रोड पर बिल्ली की तरह घूमेंगी ना तो आपको भी पता चल जाएगा। क्या? वो सब छोड़िए मैडम, आप ये बताइए कि आप हमें कब देंगी ज्ञान? आप हमें ज्ञान कब देंगी मैडम? ओ हाँ, बातों बातों में असली बात तो मैं भूल ही गई। बच्चों मैं तुम्हें यहाँ दूध पीने के फायदे के बारे में बताने आई थी। कौन कौन दूध पीता है इस क्लास में, हाथ उठाओ। राजू क्या तुम दूध नहीं पीते? पीता था मैडम, पहले जब मैं बच्चा था ना तब अपनी माँ का दूध पीता था। और अब? अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ ना, मेरा भी खड़ा हो जाता है, तो आजकल मैं पड़ोस वाली रीना भाभी का दूध पी लेता हूँ कभी कभी। क्या? हाँ, दूध वाला रीना भाभी के दरवाजे के बाहर ही दूध की बोतल छोड़ जाता है, आते जाते जब भी मुझे मौका मिलता है एक आध घूंट मार लेता हूँ, और रीना भाभी सोचती है कि बिल्ली उनका दूध पी जाती है। ठीक है ठीक है, लेकिन कभी कभी नहीं, रोज दूध पिया करो। आप दूध पीती है मैडम? हाँ मैं तो रोज ही दूध पीती हूँ। मेरी तरह किसी और का दूध तो नहीं पीती हैं? किसी और का क्यों पीऊंगी, अपना दूध पीती हूँ। अपना दूध पीती हैं? हाँ हाँ अपना ही दूध पीती हूँ। अच्छा आपका मुंह पहुँच जाता है वहाँ तक? क्या? अब वैसे दूध पीने से क्या फायदा होता है मैडम? दूध पीने से ताकत मिलती है, हड्डियाँ मजबूत और सख्त होती है, और शरीर बड़ा होता है। घंटा? क्या? हमारे शरीर में एक अंग ऐसा है जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है,
पर फिर भी वो खास परिस्थितियों में अपने आप बड़ा और सख्त हो जाया करता है। और आप दूध पी के बड़ा और सख्त होने की बात कर रही हैं? अरे मैडम, आप उस चीज को बस अपने हाथ में पकड़ लीजिए, 2 सेकंड में बड़ा और सख्त हो जाएगा। वाह, क्या? वैसे आप काम अच्छा कर रही हैं मैडम, दूध से सेहत के बारे में लोगों को जागरूक बना रही हैं। मैंने इस पे 2 लाइनें लिखी हैं, कहिए तो सुनाऊं? अच्छा ठीक है सुनाओ। तो सुनिए, अर्ज किया है, जिस तरह से बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है माँ का दूध, जिस तरह से बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है उसकी माँ का दूध, उसी तरह से बच्चे की बाप की सेहत के लिए जरूरी है बच्चे की माँ की, बच्चे की माँ की, क्या क्या समझे? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में आती हूँ। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं? लाइन पूरी तो सुनती जाइए। अरे अरे गई है, आप लोग ही सुन लीजिए। जिस तरह से बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है माँ का दूध, जिस तरह से बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है उसकी माँ का दूध, उसी तरह से बच्चे की बाप की सेहत के लिए जरूरी है बच्चे की माँ की खुशी। वैसे आप लोग जो सोच रहे हैं वो भी सही है।